तो आज की स्पेशल डिश बनाने के लिए हमें चाहिए मैगी जो हमने उबलने रख दी है, कुछ ब्रेड क्रम्स और ब्रेड। उसके बाद हम मैगी में से पानी को अलग कर देंगे। उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे जिसमें हम अपनी मैगी बनाएंगे अच्छे से। हमने कुछ टमाटर और प्याज ले लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। उसके बाद हम अपने स्वाद अनुसार मैगी मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं, ताकि आपकी मैगी जो है वो उसका स्वाद और एनहेंस होकर आए। आप अपने हिसाब से इसमें सामान डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम अब इसमें अपनी उबली हुई मैगी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद सबसे पहले हम ब्रेड्स के चारों जो ये कॉर्नर है इसको निकाल के अलग कर देंगे। उसके बाद हम ब्रेड को पानी में हल्का सा गीला कर लेंगे, ताकि हम इसके अंदर जो भी सामान डालें वो तलते टाइम ना इसे बिखर ना जाए तेल में। हल्का सा गीला करके प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी इसने पानी सोक किया होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी मैगी को डालेंगे कुछ ऐसे, और चीज़, वैसे हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ गया चीज़ पुल के लिए, आप चाहे तो नहीं डाल सकते, ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है डालना। उसके बाद हम इसकी एक बॉल बना लेंगे। लेकिन प्लीज़ आप सभी चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहे देखने के लिए कि आगे के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो फिर हम उसके बाद प्रॉपर बॉल बनाने के बाद ऐसे साइड में रख देंगे, ऐसे बहुत सारी बॉल्स बना देंगे। उसके बाद में बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद इन बॉल्स के ऊपर बेसन लगा देंगे। बेसन हम इसलिए लगा रहे हैं स्पेशली ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो इसके ऊपर चिपक जाए अच्छे से। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरह से ऐसे लगा लेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ऐसे इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स को प्रिपेयर कर लेंगे और तेल में फ्राई कर देंगे। और ये देखिए टेस्टी ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं। प्लीज़ आप सभी चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।